दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पर बायलैटरल T20 मैचेस खेलती रहती हैं, पर हम सबको इंतजार था भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें T20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के सामने खेलें। और अब दोस्तों दर्शकों का एक लंबा इंतजार खत्म हो गया है, वो भी पर्थ की तेज पिच पर। यूं तो भारतीय टीम ये मैच हार गई, पर फिलहाल हम आपको बताएंगे कि भारत के हारने के कारण क्या रहे। साथ ही बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की अब क्या उम्मीदें हैं, और अंत में जानेंगे कि आखिर भारत के आने वाले मैचेस में क्या बदलाव होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल वीडियो टॉस। दोस्तों किस्मत ने एक बार फिर और लगातार 3 बार रोहित शर्मा का साथ दिया और टॉस जीतकर रोहित ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। यहाँ की तेज पिच को देखते हुए दोनों ही टीमों ने एक एक बदलाव किया। भारतीय टीम ने अक्षर पटेल की जगह दीपक हुड्डा को खिलाया, तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने तबरेज शमसी की जगह लुंगी एंगडी को खिलाया। फर्स्ट इनिंग पावर प्ले। दोस्तों भारतीय टीम के लिए शुरुआत करने आए भारत के कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान KL राहुल। वहीं साउथ अफ्रीका के लिए पहला ओवर लेकर आए वेन पारनेल और ये मैडन रहा। इसके बाद सेकंड ओवर में रोहित ने अपना मनपसंद पुल शॉट मारकर टीम और अपना खाता खोला छक्के के साथ। इसके बाद राहुल ने भी अगले ओवर में एक छक्का जड़ा, लेकिन दोस्तों पारी का फोर्थ ओवर लेके आए लुंगी भाई साहब, इन्होंने पावर प्ले का भाई रुख ही बदल दिया। पहले तो लुंगी भाई साहब ने ओवर की 2 बॉल पर कैप्टन रोहित को खुद कैच आउट किया और फिर ओवर की लास्ट बॉल पर राहुल को स्लिप पर कैच आउट करा दिया। दोस्तों एक बार फिर से राहुल पावर प्ले में आउट हो गए, जिसके चलते एक बार फिर से भारतीय टीम का पावर प्ले अच्छा नहीं रहा, जिसमें 2 विकेट खोकर सिर्फ 33 रन ही बने। मिडिल ओवर्स। दोस्तों मिडिल ओवर्स की शुरुआत विराट कोहली ने पहले तो भाई एक शानदार कवर ड्राइव शॉट पर चौका लगाकर की और फिर मिड विकेट पर लगातार 2 चौके लगाकर फैंस के मन में एक ख्याल ला दिया कि भारतीय टीम की धीमी शुरुआत अब रफ्तार पकड़ेगी। हालांकि यहां मैच में दोस्तों एक ट्विस्ट आ जाता है और भारतीय टीम लगातार अपने 3 विकेट्स गंवा देती है। पहले शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली को लुंगी भाई साहब ने 7th ओवर की 5th बॉल पर रबाडा के हाथों कैच आउट करवा दिया और फिर अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेल रहे दीपक हुड्डा भी अगले ओवर की 3री बॉल पर अपना कैच डिकॉक को थमा बैठे और फिर अगले ओवर की 2री गेंद पर रबाडा एक शानदार आगे की ओर डाइव लगाकर हार्दिक का कैच पकड़ते हैं और भारतीय टीम को एक बड़ा झटका देते हैं। इन सब के बाद बैटिंग करने आते हैं दोस्तों दिनेश कार्तिक, पर वो भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूसरी ओर भारत के मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव अपने शानदार जानदार तरीके से और तेजी से रन बनाते हैं, लेकिन कार्तिक की स्लो बैटिंग भारत के लिए मुश्किल पैदा करती है। सूर्य कुमार दोस्तों ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं और अपना दूसरा अर्धशतक पूरा करते हैं, जिसकी बदौलत ही पारी के 15वें ओवर में मिडिल ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर रहता है 101 पर 5 विकेट्स। डेथ ओवर। 16वें ओवर की पहली गेंद पर कार्तिक पारनेल का शिकार बनते हैं। इसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम आखिरी ओवर्स में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोक पाती है और लगातार अंतराल पर भारत की विकेटें गिरती रहती है और इनिंग खत्म होने पर टीम का कुल स्कोर रहता है 133 for 9 विकेट्स। टीम के लिए हाईएस्ट स्कोरर रहे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 40 बॉल पर 68 रन बनाए। वहीं साउथ अफ्रीका के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे लुंगी भाई साहब, जिन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट्स चटकाए। दोस्तों अब साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए चाहिए थे 134 रन और भारतीय टीम को जीत के लिए अच्छी गेंदबाजी की जरूरत थी। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जहां भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में लगभग पहुंच जाती, वहीं साउथ अफ्रीका ये मैच जीतकर अपनी उम्मीदों को बरकरार रख पाएगी। साथ ही साथ इस मैच के साथ पाकिस्तान का भाग्य भी जुड़ा हुआ। दोस्तों अब सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है और साउथ अफ्रीका के लिए ओपनिंग करने आते हैं टिकॉक और टीम के कैप्टन बावुमा। वहीं भारत के लिए पहला ओवर डालते हैं भुवनेश्वर कुमार। पावर प्ले। पहला ओवर शानदार रहता है और साउथ अफ्रीका सिर्फ 3 रन बना पाती है। दोस्तों भारत का दूसरा ओवर लेकर आते हैं अर्शदीप सिंह और वो पहली ही गेंद पर डिकॉक को KL राहुल के हाथों कैच करवाकर भारतीय टीम को सफलता दिलाते हैं। वहीं ओवर की 3री गेंद पर वो रोली रूसो को LBW आउट करा देते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को स्टार्टिंग में बड़ी कामयाबी मिलती है। भारतीय गेंदबाज पावर प्ले में साउथ अफ्रीका को बिल्कुल भी रन नहीं बनाने देते। इसके परिणाम स्वरूप पावर प्ले के आखिरी ओवर में शमी साउथ अफ्रीका के कप्तान बावुमा को कार्तिक के हाथों कैच करवा के टीम को 3री सफलता दिलाते हैं और पावर प्ले में साउथ अफ्रीका का स्कोर रहता है दोस्तों 24-3। मिडिल ओवर्स। दोस्तों मिडिल ओवर्स की शुरुआत में भारतीय तेज गेंदबाज साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी रन नहीं बनाने देते और उन्हें बांध के रखते हैं। साउथ अफ्रीका के 10 ओवर खत्म होने तक टीम का स्कोर रहता है 40-3। इन ओवर्स में भले ही साउथ अफ्रीका टीम ज्यादा रन नहीं बना पाती, लेकिन वो कोई विकेट भी नहीं गंवाती है। इसके बाद पारी का 12वां ओवर लेकर आते हैं अश्विन और इस ओवर की 5वीं गेंद पर भाई कुछ ऐसा होता है जो हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। लगातार बढ़ रहे रन रेट को कवर करने के लिए मार्करम एक बड़ा शॉट खेलते हैं, पर वो बल्ले से ठीक से कनेक्ट नहीं होता और गेंद सीधा विराट कोहली के हाथों में जाती है
लेकिन यहाँ पर विराट कोहली एक आसान सा कैच छोड़ देते हैं और इसके बाद मैच के 13वें ओवर में शमी की गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा एक आसान सा रनआउट का चांस भी मिस कर देते हैं। इसके बाद अगले ओवर में दोस्तों मिलर और मार्करम अश्विन को 14 रन जड़ते हैं। पारी के 15वें ओवर में अर्शदीप के बॉल पर 2 रन लेकर मार्करम अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। डेथ ओवर आखिरी 5 ओवर्स में साउथ अफ्रीका को 30 बॉलों पर दोस्तों 39 रनों की जरूरत होती है। 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या सिर्फ 7 रन देते हैं और साथ ही मार्करम का विकेट भी लेते हैं। 17वें ओवर में अर्शदीप भी सिर्फ 7 रन ही देते हैं। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 18 बॉल पर दोस्तों 25 रन चाहिए होते हैं। दोस्तों शायद यहां पे कैप्टन रोहित शर्मा एक गलती कर देते हैं और 18वां ओवर देते हैं अश्विन को, जिसका फायदा डेविड मिलर को मिल जाता है और वो ओवर की पहली 2 गेंद पर 200 छक्के लगाकर साउथ अफ्रीका को जीत के करीब ले जाते हैं। पर ओवर की 4थी बॉल पर दोस्तों अश्विन स्टेप्स को LBW आउट करते हैं और मैच में एक जान डाल देते हैं। 19वां ओवर लेकर आते हैं शमी और शमी शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 6 रन ही देते हैं। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए दोस्तों 6 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत पड़ती है। अब एक बार फिर से लास्ट ओवर डालते हैं भुवनेश्वर कुमार और इस ओवर की 3 और 4 बॉल पर मिलर चौका लगाकर साउथ अफ्रीका को न केवल जीत दिलाते हैं बल्कि ग्रुप 2 में टीम को टॉप पर भी ले जाते हैं।